गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वंस अगेन गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अगेन आई वेलकम यू इन टुडे। गुड मॉर्निंग सर। माय डियर स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू दैट हाउ वी हैव टू यूज शुड, ऑट टू एंड मस्ट। Should, ought to, and must. My dears, perhaps I had told you the main characteristics of the model verbs or model auxiliaries. Model auxiliaries की एक विशेषता होती है और वो विशेषता ये है कि इनके बाद सदैव, सर, हाँ, आप ना बोले थे कि एक सेंटेंस ना लिख लो, यू शुड रीड द, गुड मॉर्निंग सर, आप छोड़ के गए थे ये सेंटेंस। क्या सेंटेंसेस थे बेटे? यू शुड रीड द न्यूज़पेपर। यू शुड Read the newspaper. Read the. You ought to read newspaper. Second. You must ought read to the newspaper. Read the newspaper. Paper. और ये must to. You must to read. The new paper. Yeah. बेटे keep in your mind कि जितने सारी मॉडल वर्ब्स हैं उन सबके बाद क्रिया की पहली फॉर्म आती है हर हाल में. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज जस्ट आफ्टर मॉडल वर्ब्स. दिस इज मॉडल, पहले इसको आप देख लीजिए, मॉडल एंड दिस इज मॉडल एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. This is first form of the verb. This is first form of the verb. बेटे ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा इसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म ही आती है. वो चाहे विल हो, उड हो, शैल हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, नीड हो, डेयर हो, मस्ट हो, यूज्ड हो, आट हो. अब शुड, आट टू और मस्ट का यूज हम पढ़ रहे हैं. सेंटेंसेस आर सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंस. Meaning has difference. बेटे sentences तो same है. एक में हमने should का प्रयोग कर दिया, in one sentence, in first sentence I have used should, in second ought to, and in third must. As should is positive degree, as it works as positive and it works as comparative and it works as superlative. You should read the newspaper. If you say you should read the newspaper, मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. ये एक कॉमन आइडिया है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. याद रखें, जब आपको इस तरीके से शुड का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो फोर्सली नहीं कहा जा रहा है. इट इज नॉट बीइंग टोल्ड टू यू बाय एनीवन फोर्सली. आपसे फोर्सली ये बात नहीं कही जा रही है. बट जब यहां की बात आती है, यहां आर्ट अगर आप लगा देते हैं तो आर्ट का मेनली यूज जो है वह नीति परक वाक्यों में किया जाता है. मींस जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मोरालिटी को शो किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस में आर्ट टू का प्रयोग करते हैं. जैसे आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए. तो इस तरीके के जो मोरल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मोरालिटी का आभास होता है, ऐसे सेंटेंसेस में आर्ट टू का प्रयोग करते हैं. और आपकी किताबों में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं, मैनी सेंटेंसेस आर अवेलेबल इन योर बुक्स जिसमें आर्ट टू का प्रयोग किया गया है. आर्ट टू का प्रयोग किया गया है मतलब इन दैट सेंटेंस देयर इज अ मोरालिटी, वहां एक
मोरल वैल्यू की बात की जा रही है, इसलिए वहां आर्ट टू का प्रयोग किया गया है। और जब आप मस्ट का प्रयोग कर देंगे तो उस कार्य को अवश्य फोर्सली कहा जा रहा है करने के लिए, यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर, इसका मतलब कि आपको न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें बल प्रयोग करके कहा जा रहा है, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर, यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर, मतलब आपको पुस्तक या न्यूज़पेपर आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर यूजिंग मस्ट बट मोस्टली इन मैनी केसेस हम लोग शुड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, मस्ट का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, आर्ट का प्रयोग उससे कम करते हैं, शुड का प्रयोग हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। इट शुड बी इन योर माइंड सर। हाँ बोलिए। जैसे दिया यहाँ पे एक ना सर, आई डैश रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम, रुक जाइए, दिया मस्ट और शुड और डैश रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम, रीच, हाँ बताता हूँ, रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम, यस यस रुक जाइए, प्ले ग्राउंड इन टाइम, इन ऑप्शन दिया है सर कि मस्ट शुड और वुड दिया है, शुड मस्ट मस्ट और वुड, वुड बेटे इसका जो सही आंसर है वो मस्ट है। क्यों अब मस्ट है, अब जरा देख लीजिए, आप इसको देखिए, अगर ये पार्ट नहीं रहता तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, वुड का नहीं यहां पर, लेकिन चूंकि इन टाइम कहा जा रहा है कि आपको समय से प्ले ग्राउंड में पहुंचना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें फोर्स है, इसलिए आप यहां पर आई मस्ट रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम, मुझे समय से वहां पर पहुंचना होगा या पहुंचना चाहिए प्ले ग्राउंड में। थैंक यू सर। चलिए सर, यस सर। तो बेटे हम आपको और क्या बता रहे थे, आप ये समझ गए होंगे बेटे, जिसको फोर्सली जिस बात को कहा जाता है उसमें आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस पॉजिटिव के लिख दे रहे हैं और सम सेंटेंसेस आई विल राइट, इसका नेगेटिव भी बनता है, सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव भी और डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव भी। नाउ लेट मी राइट द फॉर्मेशन एट द वेरी फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट देन शुड ऑब्लिक आर्ट टू स्लैश मस्ट, इन तीनों में से जिसकी आवश्यकता होगी उसको आप रखेंगे, देन वी वन देन ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर पॉजिटिव। नाउ लेट मी प्रेजेंट सम एग्जाम्पल्स और मॉडल्स का, मॉडल्स की एक और विशेषता मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं आई वी यू ही शी इट और दे, बेटे इज एम आर के प्रयोग में, विल शैल के प्रयोग में जो कंफ्यूजन हमारे पास होता है, ऐसा कंफ्यूजन इसमें नहीं होता है। वुड शुड और आर्ट तीनों में से किसी का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो नाउ लेट मी राइट सम सेंटेंसेस, यू मस्ट क्रिएट द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर ऑफ स्टडी। नेक्स्ट आई मस्ट स्टैंड मिनिमम 40 मिनट्स, नेक्स्ट शी मस्ट डेकोरेट हर क्लास टुडे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 3 sentences यूजिंग मस्ट, इन तीनों में मस्ट का यूज हमने किया है। प्लीज मिस आकांक्षा, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, फ्रॉम वेयर साउंड इज कमिंग माय डियर्स, प्लीज मिस्टर रितेश वर्मा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, बेटे आकांक्षा म्यूट योर सेल्फ न।
Now let me use ought. No. You ought to obey your parents. Now the second, we ought to pay honor to our country. In these two sentences, I have used ought to. One sentence I am going to write of should. You should ask me. मतलब आपको मुझसे पूछना चाहिए. अब इसकी मीनिंग देख लीजिए. यू मस्ट क्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ स्टडी. आपको स्टडी का एटमॉस्फियर क्रिएट करना चाहिए. ये फोर्सली कहा जा रहा है. आई मस्ट स्टैंड मिनिमम 40 मिनट्स. मुझे कम से कम 40 मिनट खड़ा होना चाहिए. सी मस्ट डेकोरेट हर क्लास टुडे. उसे अपनी क्लास को आज अवश्य सजाना चाहिए. You ought to obey your parents. अब यहाँ भाव बदल गया. बेटे आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए. We ought to pay honor to our country. हमें अपने देश के लिए सम्मान रखना चाहिए या देश का सम्मान करना चाहिए. You should ask me. तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए. तीनों सेंस आप समझ गए होंगे. Yes, am I right? Students, please tell me. Students, give me feedback. Sir, fourth sentence should नहीं हो सकता है. कहाँ पर बेटे? Sir, fourth sentence में अगर ought to की जगह हम लोग should लगाएंगे. हाँ. Should लगाएंगे. सही हो सकता. हो सही तो है ही. अब उसका भाव आप देख लेंगे कि उसके वो किस भाव में आप लिख रहे हैं. और कोई बात नहीं है. यूज आपको मस्ट का यूज आप ही को करना है. शुड का आठ का यूज आप ही को करना है. जब जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से आप इन सब का यूज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस. बेटे कभी कभी हमको सख्ती से किसी चीज के लिए मना किया जाता है. एक बात और ध्यान रखिए. हमारी हिंदी में भी बहुत सारे सेंटेंसेस फॉल्सली बोले जाते हैं, गलत बोले जाते हैं. जैसे चाहिए के बाद था थे थी है हूँ गागेगी कुछ नहीं आना चाहिए. बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनी स्टूडेंट्स आर मैनी पीपल से तुम्हें वहां जाना चाहिए था. तुम्हें वहां जाना चाहिए था. तुम्हें जाना चाहिए है. इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं होते. ध्यान दीजिए. नेगेटिव. जस्ट आफ्टर दीज वर्ब्स वी हैव टू यूज नॉट एज. हमको मना किया जा रहा है. यू मस्ट नॉट फॉलो हिम. तुम्हें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए. फोर्सली कहा जा रहा है. तुम्हें उसको देख करके कोई काम नहीं करना चाहिए. शी शुड नॉट बी वरी. यहां शुड का हमने प्रयोग कर दिया. शी शुड नॉट बी वरी. ये जनरली कहा जा रहा है उसे चिंता नहीं करनी चाहिए. तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से शुड ऑट और मस्ट को शुरू में कर देंगे. सिंपल वर्ड इंट्रोगेटिव हो जाएगा और डब्ल्यू एच वर्ड से उससे पहले कर देंगे डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव हो जाएगा. अब इससे कोई समस्या है नहीं तो हम आगे बढ़ें. डू यू फील एनी प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट्स. अदरवाइज आई लीव द टॉपिक. यस सर. सेकंड में सी शुड नॉट बी वरीड. शुड कहां से लग गया, कैसे लगा?
ओहो, इस कंप्लीट डिपेंडेड ऑन यू, ये पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आप किसका प्रयोग कर रही हो। मस्ट का कर रही हो तो भाव तुमको केवल पता होना चाहिए, आप किस भाव में बोल रही हो। आप इजीली अगर बोल रही हो तो आप शुड का प्रयोग कर लो, जब आपने मस्ट का प्रयोग कर दिया तो आपने फोर्सली उस बात को करने के लिए मना किया, और कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। अगर एमसीक्यू में आ गया तो कैसे होगा बेटे? अभी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हमने लिखा था, किसी बच्चे ने बोला था, जब एमसीक्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेंटेंस को हम पढ़ के समझ जाते हैं कि किस तरीके से हम एम इज दिया अंगद गुप्ता हरी प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटे। सर सर आपकी आवाज इको हो रही है। सर आपने कहा कि के बाद है या फिर होगा होगी कुछ भी नहीं लगना चाहिए, ये रॉन्ग होता है हिंदी सेंटेंसेस में। हाँ तो सर अगर जैसे हिंदी सेंटेंस में ही कहना है, अगर हम कल कहीं गए थे हाँ। और आपको या फिर किसी को कहना है कि मतलब तुम्हें भी कल वहाँ आना चाहिए था, तो फिर यहाँ तो था नहीं लग सकता चाहिए के बाद, नहीं बेटे, तो फिर उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? तुम्हारी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए थी। तो देखिए ये ऐसे सेंटेंसेस तुम वहाँ होने चाहिए थे या तुम्हें आना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में नहीं होते हैं। तुम्हारी जरूरत वहाँ थी कल, इस तरीके से उस सेंटेंस को बोलते हैं। समझ में आया? मतलब वहाँ आना जरूरी था या फिर तुम्हारी वहाँ जरूरत थी, ऐसे कह देंगे? हाँ जी ऐसे कह देंगे। अच्छा आप बताओ, हिंदी की किताबें आप भी तो पढ़ती हो? हाँ सर। आपने कभी देखा चाहिए है चाहिए था? नो सर। तो नहीं आता है? बोलते हैं देखे हैं। केवल वो हमारे कन्वर्सेशन में, तो आपको पता है हमारा जो कन्वर्सेशन है उसमें कुछ फॉल्स भी हम लोग बोलते हैं जिसको सब लोग बियर कर लेते हैं भाई। जैसे एक शब्द है, अब हिंदी पर थोड़ा हम बातचीत करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टॉक यू, ताकि आपको क्लियर करूं। आपने सुना होगा आपके घर उपला बनता है? हाँ सर। डंक केक बनता है? हमने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा आप बताओ, आप अपभ्रंश रूप पढ़े हैं हिंदी में? नो सर। हाँ बेटे, एक अपभ्रंश रूप होता है उसका, इसका मतलब ये है कि शब्द कुछ और होता है, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते हम लोग एकदम बिगाड़ के बोलने लगते हैं और वही चलन में हो जाता है। जैसे अब आपको कुछ मैं पहले बता रहा हूं, आप देखिए एग्रीमेंट, आप सभी एग्रीमेंट शब्द से परिचित हैं? यस सर। ध्यान से सुनेंगे बेटे, 2-3 decades before 2-3 decades, 2-3 दशक पहले भारत से कुछ मजदूर जो है वह मॉरिशस गए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन द मदर टंग ऑफ मॉरिशस इज भोजपुरी। मालूम है आपको मॉरिशस की जो भाषा है वह भोजपुरी है? यस सर। तो बेटे यहां से लोग वहां पर उनका एग्रीमेंट हुआ, समझौता हो के गया, कागज बन के गया कि आप 1 साल के लिए हायर किए जा रहे हो। उसको मॉडर्न तरीके में अगर देखें तो उसी को पैकेज बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा इनका 10 लाख का पैकेज है, इनका ये 1 करोड़ के पैकेज पर जा रहा है। यू नो व्हाट इज पैकेज? आपको मालूम है क्या पैकेज क्या कहलाता है? बोलो। हायरिंग किया जाता है सर। हाँ जी, हायर किया जाता है 1 ईयर के लिए। वह एक तरीके की सौदेबाजी ही है कि आप 1 साल तक हमारे यहाँ काम करेंगे, फिर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो बेटे ठीक इसी तरीके से यहाँ मजदूरों को यहाँ से ले जाया गया, और वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर मजदूर पहुंचे काम करने लगे, कोई पूछता कौन हो आप, क्या आपका परिचय, तो वो बोलते थे हम एग्रीमेंटिहा लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी से हिंदी में जा रहा है ये शब्द, हम एग्रीमेंटिहा लोग हैं, एग्रीमेंटिहा।
हम एग्रीमेंटिया हैं, अब वो अपभ्रंश वाला शब्द बन गया, अब सीधे सीधे वो कहने लगे हम लोग गिरमिटिया हैं, गिरमिटिया लोग हैं, गिरमिटिया। अब वो एग्रीमेंटिया नहीं कह पा रहे थे, दे वर अनेबल टू स्पीक एग्रीमेंटिया, दैट्स वाई दे यूज टू से गिरमिटिया, ये मजदूर गिरमिटिया हैं। अब एक शब्द हमारे, आप बताइए आपको काऊ डंग केक जो होता है उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा, हाँ देखिएगा, नहीं गोबर, अरे पगले गोबर, लिसन टू मी, गोइठा वो है जो गाय तुरंत करती है ना सर, गोइठा, हाँ गोइठा इसको कहते हैं, देखना ये अपभ्रंश है, हिंदी वर्ड गोइठा, हाँ हाँ गोइठा बोलते, लिसन बेटे ये कैसे गोइठा हो गया आप देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए कैसे बना ये गोइठा, यहाँ देखिए बेटा, द वर्ड इज गोविस्ता। अब गोविस्ता इज वेरी टफ टू से फॉर दोज पर्सन हु आर अनेबल टू रीड, जो शब्दों को नहीं समझ सकते, जो ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, उनके लिए गोविस्ता कह पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका अपभ्रंश करके बोलना तो है ना इसको, तो गोविस्ता गोविस्ता कहते कहते उसको गोइठा बना दिए। समझे? यस सर, यस यस सर। हाँ, मूल वर्ड इसका गोविस्ता है, विस्ता मतलब होता है स्कूल गंदगी, और गो मतलब गऊ, गऊ की जो गंदगी है, अब इसको हम लोग गोइठा कहते। एक शब्द और भी बहुत प्यारा है, आप देखिएगा बेटे, एक शब्द है ब्राह्मण, है ना, आप में से बहुत सारे लोग होंगे ब्राह्मण, अब बोलते हैं बाभन, हाँ यस, अब ये बहुत टफ है बोलना, तो इसको हम लोग सीधे सीधे बाभन कह देते हैं। यस सर। बेटे ये अपभ्रंश रूप है, ये ना तो हिंदी है और ना भोजपुरी है, ये इस शब्द का अपभ्रंश है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब आपको समझ में आ गया? तो बेटे हमको चाहिए था, हम बोलते तो हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में होते नहीं है, जो होता ही नहीं उसके बारे में हम क्या करें, और वैसे भी हिंदी बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और द रिचेस्ट लैंग्वेज इज संस्कृत, संस्कृत सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज है, जैसे लाठी को लोर बोलते हैं सर। हाँ सर, अगर सेंटेंस देगा सर, उसे वहां पर जाना चाहिए था तब कैसे बनाएंगे, उसे वहां पर जाना चाहिए था, नहीं बेटे ऐसा सेंटेंस देगा ही नहीं, ही हैड टू गो देयर, ही हैड टू गो देयर, ओहो चाहिए था, आप उसको वो इस तरीके से सुन लीजिए, आप वो मजबूरी वाले सेंटेंस में लेकर के जा रहे हैं, उसको कंप्लीमेंट वाले सेंटेंस में लेकर के जा रहे हैं, ही हैड टू गो, वो जब सेंटेंस के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता है हिंदी वाले में, तब आपको हैड टू का प्रयोग करना होता है, जैसे मुझे वहां जाना पड़ा तो वहां पर हैड टू का प्रयोग होगा, आई हैड टू गो देयर, चाहिए था वाला सेंटेंस नहीं होता, देयर मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन माय डियर स्टूडेंट्स, चाहिए था चाहिए होगा ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स आई से टू यू, इज इट ओके, आगे बढ़े सर? यस सर, बुक में दिया था तो पूछ रहे थे, इसलिए ही मस्ट हैव जैसे दिया था गो देयर, उसको बना दिया था बना के, इस तरफ तो हम पूछा सर। हाँ बेटे बोलिए, बोलो, हमारे बुक में दिया है ना, हाँ उससे क्यों पूछना चाहिए था, कौन सी बुक है सर? ऐसे लूसेंट बुक है, हाँ ऐसे लूसेंट बुक है, अरे पहले वो ये तो देखो कि वो किस संदर्भ में वहां पर लिखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं बताया गया है कि ऐसे सेंटेंसेस नहीं होते हैं, मैंने आपसे नो सर, हाँ बेटे आपका रोज हिंदी का क्लास चलता है, पर डे यू टेक योर हिंदी क्लास एंड यू रीड मेनी टाइम्स हिंदी पेपर एंड
many Hindi stories. Did you find any sentence such as चाहिए था, चाहिए होगा, चाहिए है? No sir. No sir. बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ. Why don't you understand myself? ऐसे sentences आते ही नहीं है. आप ऐसी बात करते करेंगे तो इससे हमारा टाइम फील होगा ना. ऐसे sentences नहीं आते हैं. अब चलिए, अब हमने will देखिएगा, will shall को देखा, should को देखा, उसके बाद ought को देखा, and then must. अब आप बताइए जो बचा हुआ है उसमें से क्या करें हम. Would, used to. Use. Need, dear. Use. Need. Use. Need, dear, used to. Ha. Can, could. Might. Can, could, may, might. Ha, to chaliye. May, might. Sir, could ga. Yes. Let me write. May, might. Can, could. Can. Could. My dear students, may, might, can, could. अब इस चार पर हम लोगों को बात नहीं, पहले इस चार पर हम लोग बातचीत कर लें. These are models. बेटे, the past tense of may is might and the past tense of can is could. Could can का past tense है, may का past tense might है. Basically, these words are used in the term of narration. Narration में parts of second part, it means if you find a sentence which is started or which has been constructed with may and can, here you have to change. May will be changed into might and can will be changed into could. Basically, the use of might and could, we have to find in narration part. Now, we have to talk about may and can at the very first. Now the topic is use of may and can. My dear students, both words may and can are used in the sense of sakna. If you find a sentence in Hindi, in the last of a Hindi sentence, if you find sakta hai, sakti hai, sakte hai, sakta hoon, in such case, in such type of sentences, you have to use may and can. But what are the different conditions? What is the condition? What are the conditions in which we have to use may, and what are the conditions in which we have to use can? Dear my students, you know one thing. पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं. Most of the students use can to take permission, which is completely wrong. बेटे, अगर आप किसी तरीके का परमिशन लेना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी टाइप ऑफ परमिशन, परमिशन फॉर गोइंग आउट, शायद बाहर जाने के लिए अगर आपको परमिशन चाहिए, इफ यू वॉन्ट परमिशन फॉर राइटिंग अ लेटर, किसी मतलब किसी तरीके का अगर परमिशन आपको लेना है, तो फॉर टेकिंग परमिशन यू हैव टू यूज मे, एंड स्पेशली फॉर क्वेश्चंस. सो द
formation of may, may plus subject, then V1, then object. Only for taking permission. Iska prayog, the use of may is not used in positive sentences. Positive sentences mein iska prayog nahi hota. For taking permission, aap iska prayog karenge as may I go to drink water? May I shit before you? अरे भाई कौन अंजलि है? May I read here? बेटे, listen to me. Some special characteristics of may. May की कुछ विशेषताएं हैं. May का प्रयोग हमेशा परमिशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है और एक मनुष्य का नेचर है, हम परमिशन केवल अपने लिए लेते हैं. बहुत कम ऐसे केसेस हैं जब दूसरे के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता होती है. तो इस तरीके से मैक्सिमम जो इसके सेंटेंसेस होंगे वो मे आई से ही शुरू होते हैं. चाहे आप बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, जागने के लिए, किसी तरीके का परमिशन आपको लेना है तो आप मे का प्रयोग करेंगे. सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप जब अपने सीनियर्स से कोई परमिशन लेना चाहें तो आप मे का प्रयोग करें. मेनी स्टूडेंट्स आस्क मेनी टाइम्स टू अस, सर कैन आई गो आउट, कैन आई गो टू ड्रिंक आउट ड्रिंक वाटर, सर कैन आई गो टू प्लेग्राउंड. माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर जूनियर देन You should use may. अगर आपको परमिशन के लिए कुछ कहना हो तो आप may का प्रयोग हमेशा करेंगे. Always remember this कि आपको हमेशा Sir, if you want to take permission from our juniors, then... juniors, yeah. Listen to me, my dear. Can is remaining. Can तो अभी बचा हुआ है ना. तो जब मैं can पढ़ाऊंगा तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा. बस हमने आपको बताया, इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी टाइप ऑफ परमिशन फ्रॉम योर ओल्डर्स, फ्रॉम ऑनरेबल पर्सन, यू हैव टू यूज मे ऑलवेज. सपोज यू वॉन्ट टू गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस, तो आप उसमें बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर. तो आपको परमिशन मिलता है, यस आर नो. नाउ Let's go to our formal can. Can. Shakti और सामर्थ्य. Power and capability or capacity. If you want to show your power and your capacity, you have to use can. आपने पूछा, सर मैं अपने जूनियर से अगर किसी तरीके का, तो भले आप ये बताइए, आप जूनियर से परमिशन नहीं लेते, वो तो कभी कभी खेल खेल में ऐसा होता है. हम कभी खेलते रहते हैं तो हमारे चाचा जी आ जाते हैं, हम बच्चे yes, sir. खेलते रहते हैं, हमारे पापा आ जाते हैं, हमारे बड़े भैया आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं भी खेल सकता हूँ, बताओ बच्चों क्या मैं भी खेल सकता हूं. तो इन सच केस याद रखें कि वो जूनियर नहीं है हमसे, ही डजंट हैव एनी नीड टू टेक परमिशन, उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है. इन सच केस वह कैन का प्रयोग करेंगे. तो इसका पहले पॉजिटिव फॉर्मेशन आप देखें, कैन के बाद वी वन लगता है. जैसे आई कैन गो टू स्कूल, ध्यान से आप देखें, गो टू स्कूल बाय साइकिल मीन्स इफ आई से आई कैन गो टू स्कूल बाय साइकिल, इट मीन्स आई हैव कैपेसिटी टू राइड साइकिल, आई हैव
पावर टू गो टू स्कूल बाय साइकिल। इस सेंटेंस में मैं यही दिखा रहा हूं कि मैं इतनी शक्ति वाला हूं, इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है कि मैं साइकिल से स्कूल जा सकता हूं। श्रेया कैन सिंग अ सॉन्ग। श्रेया एक गीत गा सकती है। प्रीति कैन कुक पास्ता। इट मींस प्रीति हैज कैपेसिटी टू कुक पास्ता, श्रेया हैज कैपेसिटी टू सिंग अ सॉन्ग। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को जरा देखते हैं। सब्जेक्ट देन कैन देन नॉट देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। एज आई कांट कैन नॉट समटाइम्स इट इज द एक्सप्रेशन, ये भी कभी कभी एक्सप्रेशन हो जाता है, वैसे हम कैन नॉट लिखते हैं। आई कैन नॉट राइट जस्ट। नेक्स्ट मोहित कैनॉट ड्राइव द कार। बेटे आई कांट राइट जस्ट, मैं नहीं लिख सकता हूं, इट मीन्स आई हैव नॉट कैपेसिटी टू राइट जस्ट, इस समय मेरे पास लिखने का सामर्थ्य नहीं है। मोहित कैनॉट ड्राइव द कार। हो सकता है मोहित पी लिया हो बहुत ज्यादा, इसलिए वो ड्राइव करने की क्षमता में नहीं है। इन सच केसेस वी हैव टू यूज कैन। अब इसका क्वेश्चन देखें। कैन सब्जेक्ट वी वन देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कैन आई शिट next to you can I sit next to you। बेटे याद रखें, remember always, इस तरीके का जो प्रश्न होता है वो सदा बड़े लोग अपने छोटों के बीच करते हैं। can I sit next to you, कभी कभी हम अपने बच्चों से भी पूछ लेते हैं, बेटा अगर कहो तो मैं यहां बैठ जाऊं, या क्या मैं यहां बैठ सकता हूं। कभी जोकली परमिशन हम लेते हैं, तो जोकली परमिशन जब होगा तो वैसे होगा, कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या तुम्हारे बगल में मैं बैठ जाऊं। दूसरा कैन यू टेल मी वन थिंग, कैन यू टेल मी वन थिंग, दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय योर टीचर। कैन यू टेल मी वन थिंग, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो। तो ये आप अपने बड़ों से नहीं पूछेंगे, आप अपने छोटों से पूछेंगे। आपको अपने बड़ों से भी कभी कभी पूछना पड़ जाता है कि सर बड़ों से हम कैसे पूछेंगे कि सर क्या मुझे आप एक बात बता सकते हैं। यूज मे हियर, मे यू टेल मी वन थिंग सर, मे यू टेल मी वन थिंग सर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, WH वर्ड आई विल टेल यू टुमारो बिकॉज टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। जल्दी से हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं, बताइए सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। टेल मी वन थिंग अगर यूज करेंगे क्या बेटे। टेल मी वन थिंग कोई अपने बराबरी से बोलता है तो ये सही है। मैं तो कहीं, जब आप बराबरी में बोलेंगे ना, आप अपने मित्र मंडली में बोलेंगे तो यूज कैन। ओके सर। हाँ, पर कैन के बाद हमेशा वी वन ही आता है। हाँ बेटे, कैन मे विल वुड शैल शुड मे माइट सबके बाद वी वन हमेशा लगता है। बेटे द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। शो सर, मैं जो मॉडल से उनके बारे में